डेंगू का कहर इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। इसके लिए लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12,680 डेंगू के नए मामले सामने आए हैं। डेंगू में लखनऊ में डेंगू के जो नए मामले हैं वो 322 तकरीबन हैं। जनवरी से नवंबर तक डेंगू से 14 लोगों की मौत हुई है। प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं। साथ ही जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर 300 से अधिक कॉल्स की समस्याओं को डिसॉल्व किया जा रहा है। डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका नतीजा है कि सरकारी हॉस्पिटलों में आप जिस तरीके से डेंगू वार्ड ये है, इस तरीके से यहाँ पर जो बेड हैं आप देख रहे हैं कि अधिकतर सभी बेड भरे हुए हैं यहाँ पर डेंगू पेशेंट से। कब आए थे आप, एडमिट हुए? मुझे 1 दिन हो गया। क्या था, डेंगू? डेंगू। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो संख्या है डेंगू की वो लगातार बढ़ रही है, उसका जो ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रभर्ती हैं। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर सिविल हॉस्पिटल में, जहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो डेंगू पेशेंट है यहां पर एडमिट हैं। हम उनसे जो लोग हैं, जब आप एडमिट हुए थे परसों, कितनी प्लेटलेट्स वगैरह हैं, किस तरीके की सुविधाएँ यहाँ पर? आप यहाँ 19,000 थी पहले, अब बढ़ी हुई हैं 40,000 हैं। सुविधाएँ ठीक हैं, डॉक्टर वगैरह आते हैं, दवाइयाँ वगैरह सब मिलती टाइम से। तो जो डेंगू पेशेंट हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ हद तक ठीक है, बाकी ये तमाम जो महानगर हैं वहाँ पर पूरी देख रेख उसकी की जाए। लखनऊ से MKN न्यूज़ के लिए अविनाश। उत्तर प्रदेश में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह। सर, जिस तरीके से लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर नगर निगम किस तरीके से सफाई अभियान के माध्यम से या फॉगिंग हो किस तरीके की तैयारियाँ कर रहा है? नगर निगम लखनऊ जो है पिछले जो जब से ये डेंगू केसेस बढ़ने लगे हैं, मेडिकल ऑफिसर्स यानी CMO साहब की टीम के साथ हम लोग कंबाइंड जो अभियान चला रहे हैं। सुबह जहां भी केसेस हमारे डिटेक्ट होते हैं वहां हम विशेष फॉगिंग एंटी लार्वा स्प्रे के लिए जाते हैं और घरों का ऑडिट करते हैं और घरों लोगों को एजुकेट करते हैं कि जैसे घरों में किस तरह से लार्वा पनपता है। इसके साथ साथ जो हमारे बाकी 8 जोन हैं उसमें एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर्स इसको मॉनिटर करते हैं। ओवरऑल मॉनिटरिंग हमारे मेरे द्वारा की जाती है। एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम DM सर द्वारा हमारे ICCC में भी बनाया गया है डेंगू रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर। और जो एजुकेशन वाला पार्ट है उसमें हमारे द्वारा नुक्कड़ नाटक और मीडिया में प्रचार प्रसार, डोर टू डोर दस्तक देना, और जो आज हमारे द्वारा टीचर्स के साथ संवाद किया गया है सारे लखनऊ के जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है बेसिक शिक्षा में, YouTube लाइव सेशन में हम लोगों ने इसमें जो भी IC कंपोनेंट है उनको बच्चों को सेंसिटाइज